वेलकम बैक टू द चैनल एटीपी मंत्रा गाइस, दिस इज प्रियंक। अपनी जो वीडियो सीरीज चल रही थी कि ऑल रिवर सिस्टम उत्तराखंड में, हमने जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज हर एक चीज़ जो है कवर कर ली है। आई होप कि आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अच्छा, जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज चीज़ों को कवर कर रहे थे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट नदियाँ तो बता ही रहा था, साथ ही साथ कई जगह पर मैंने आपकी उसकी जो है लंबाइयाँ भी बताई थी। तो आज जो है एक ओवरव्यू लास्ट, ठीक है, हम सारी जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनको एक इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो देखिए, एक मैं ट्रिक लेके आया हूँ और ये ट्रिक आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने लिखा है, काली भागी अकेली कोसो दूर रथ में और टेंशन सारे मनाने लग रहे न्यारे। तो बेसिकली क्या है कि टॉप 10 रिवर्स हैं ये, यानी कि लंबाई के क्रम में सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो है ये 10 नदियाँ हैं, ठीक है। और भी बताऊँगा, इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है मैप भी ड्रॉ कर लिया है। तो जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हम चीज़ों को कवर कर रहे थे तो कुछ नदियाँ वहाँ पर जो हैं उनकी लंबाइयाँ कई जगह पर बतानी रह गई हैं, ठीक है। लेकिन सारा हमने रिवर सिस्टम कवर कर लिया डिस्ट्रिक्ट वाइज, कुमाऊँ के 6 और उत्तराखंड के 7 जिलों को हमने पढ़ा है, ठीक है। और इस वीडियो में ओवरऑल हम जो है इंपॉर्टेंट रिवर्स के ऊपर बात करेंगे। तो आपके सामने जो है मैंने पहले से जो है एक ट्रिक यहाँ पर लिख दी है, और ये ट्रिक क्या कह रही है, देखो, ये जो है टॉप 10 रिवर्स है। टॉप 10 यानी कि सबसे बड़ी है, देखो, ये नदी, फिर उसके बाद ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी, ठीक है, ये पाँचवीं है, ये छठी है, उसके बाद ये सातवीं नदी है, ये आठवीं नदी है, ये नवीं नदी और ये दसवीं नदी। तो आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन क्रम से भी आ जाता है कि लंबाई के क्रम में व्यवस्थित करो, है ना, उत्तराखंड में आपने देखा होगा। तो अब हमारी जो ट्रिक कह रही है वो क्या कह रही है, देखो, ये कह रही है कि काली भागी, हमें तो पता है कि ओवरऑल जो उत्तराखंड है उसमें सबसे बड़ी जो रिवर है वो काली नदी है, ठीक है। तो काली को ही सबसे पहले ले लिया, तो हम कह रहे हैं काली भागी अकेली कोसों दूर, ठीक है, रथ में काली जो है भाग गई है, कोसों दूर भाग गई है। अच्छा, हुआ क्या, और फिर क्या हुआ, अब वो भाग गई तो टेंशन सारे मनाने लग रहे, टेंशन जो है वो सारे कहाँ गई मनाने लग रहे न्यारे, है ना, बड़ी ही न्यारी चीज़ हो गई कि काली भागी अकेली कोसों दूर। अब इसको ऐसे भी याद रखें, अब देखो ये सीक्वेंस ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। अब आप इसको ऐसे याद नहीं रखेंगे कि काली भागी कोसों दूर अकेली, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा, तो उसके लिए आप ऐसे कह सकते हैं, देखो, काली, ठीक है, आप ऐसे पढ़ो, काली, फिर ऐसे करो, भागी अकेली, अकेली ही है, ठीक है, ऐसे करके। तो काली भागी अकेली कोसों दूर रथ में, ये आपको पता चल जाएगा, और टेंशन सारे मनाने लग रहे न्यारे, इस तरीके से। तो कैसे याद करना है, काली भागी ऐसे करना है, काली भागी यूँ करना है, फिर अकेली, तो इस प्रकार से, काली भागी अकेली कोसों दूर रथ में और टेंशन सारे मनाने लग रहे न्यारे। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या है, तो सबसे बड़ी जो नदी है वो है हमारी काली नदी। कौन सी नदी है जी, काली नदी। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे बड़ी नदी है, सबसे पहले जो है पहले नंबर पे वो है काली, काली नदी आती है। उसके बाद भागी से हम कहेंगे भागीरथी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भागीरथी, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी नदी भागीरथी है। फिर उसके बाद हमारी आती है अलकनंदा, अलकनंदा नदी है। उसके बाद है कोसी नदी, ठीक है, चौथे नंबर में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कोसी नदी। उसके बाद देखो ये रथ जो है इसको बोलते हैं रथवाहिनी, इस नदी का नाम है रथवाहिनी। अब आप कहेंगे रथवाहिनी कौन सी नदी है जी, इस नदी का नाम है पश्चिमी रामगंगा, तो पश्चिमी रामगंगा को रथवाहिनी भी बोला जाता है। टेंशन से आप टोंस को रिलेट करेंगे, ठीक है, टोंस नदी, सारे से आपकी सरयू हो जाएगी, बहुत अच्छे। मनाने से देखो मना, यमुना, इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है, ये आठवीं बड़ी नदी हो गई। और लगरे से आप कहेंगे भिलंगना, लगना, लगना है ना, तो लगरे, इस तरीके से आप याद रखें, ये है भिलंगना, भिलंगना नदी। और उसके बाद सबसे आखिरी में हमारी आती है न्यारे, यानी कि नयार, कैसी नयार, पूर्वी नयार है ये, दो नयार थी ना, पूर्वी और पश्चिमी नयार, ऑब्वियसली जो पूर्वी नयार थी वो बड़ी थी, पश्चिमी छोटी थी। तो देखो ये 10 की 10 नदियाँ हो गई, काली नदी, उसके बाद भागीरथी, फिर अलकनंदा है, फिर कोसी है, फिर पश्चिमी रामगंगा है सबसे बड़ी, फिर टोंस है, सरयू, यमुना, भिलंगना और नयार, यानी कि पूर्वी नयार नदी। अगर मैं इन सभी रिवर्स की लंबाई लिखूं, ठीक है, तभी हम समझ पाएंगे कि अच्छा कोई जो नदी है पर्टिकुलर वो कितनी बड़ी है। काली की मैं बात करूँगा तो आप इसे नोट करते हुए चले जाएंगे, ये सारी जो नदियाँ हैं किलोमीटर्स में, ठीक है, तो काली है 252, इतना किलोमीटर ओवरऑल उत्तराखंड में जो है ये बहती है, ठीक है। अब भागीरथी क्या है, 250 किलोमीटर, अलकनंदा 195 किलोमीटर,
अगर हम कोसी की बात करें तो कोसी है 168, ठीक है, इस तरीके से। पश्चिमी रामगंगा की बात करें तो 109 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। टोंस की बात करें, है ना, तो ये है इतनी। सरयू की बात करें तो 146, यमुना की बात करें तो ये है 136, ठीक है, और भिलंगना की बात करें तो 110। पूर्वी नयार की बात करें तो ये जो है 108 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, 108 किलोमीटर जो पूर्वी नयार है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी जो नदियां हैं ये सब इनकी जो लंबाई है ये हमने लिखी किलोमीटर्स में, किस में लिखी, किलोमीटर्स में। चलिए ठीक है, ठीक है, तो एक बार फिर से देखेंगे आप ये जो 10 की 10 नदियां हैं किस प्रकार से आप इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा 252, 250, ठीक है, कोसी इतनी हो गई। पश्चिमी रामगंगा देखो थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे, ये 109 किलोमीटर, ये 155 है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्योंकि जो पूर्वी रामगंगा है ना वो 109 किलोमीटर है, 108-9 किलोमीटर, ये क्योंकि पश्चिमी है तो ये बड़ी है, 155 किलोमीटर, इस तरीके से, ठीक है। वो अभी देखा तो यहाँ 109 हो रहा है ना, तो इस प्रकार से। तो ये सारी जो नदियाँ हैं ये इनकी लंबाइयाँ हो गई हैं। अच्छा, अब अगर मैं मैप में इनको थोड़ा सा आपका रिवाइज़ करवा दूँ, ठीक है, कि कौन सी नदी कहाँ से कैसे कैसे बह रही है, तो अभी देख लेते हैं इसे भी। देखो सबसे बड़ी जो काली नदी है हमें पता है पिथौरागढ़ में बहती है, पूर्वी बाउंड्री इस तरीके से बनाती थी, देखो लिपु लेक से निकलती थी। अब पूरा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, बस इसका रूट बना रहा हूँ काली का, ठीक है। तो काली जो नदी है वो ऐसे 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 बाउंड्री बनाते हुए आती है लाइक दिस आती है, और चंपावत है ना ये, इसके बनबसा से ये एक तो जो है पूरी नेपाल की तरफ चली जाती है और शारदा नहर के रूप में ये ऊधम सिंह नगर से होती हुई फिर यूपी में प्रवेश कर जाती है। तो काली सबसे बड़ी नदी आप देख सकते हैं, ये इसका प्रवाह तंत्र है, इसका रूट है, इस तरीके से। अगर मैं भागीरथी की बात करूं तो भागीरथी हमारी उत्तरकाशी में है जी, और वो यहाँ गोमुख से निकलती है लाइक दिस, है ना, ऐसा इसका पाथ है, और ठीक है इस तरीके का इसका पाथ होता है और यहाँ से एंटर करती है, ठीक है, और यहाँ पर एक जगह इधर पर जो है ये ऐसे करके यहाँ पर आ जाती है, है ना, देवप्रयाग में आ जाती है, कहाँ, टिहरी के देवप्रयाग में। भागीरथी का रूट कुछ कुछ ऐसा ही था। उसके बाद अलकनंदा की बात करें तो संतोपथ गोमुख से निकली है उत्तरकाशी में भागीरथी, लेकिन अलकनंदा जब थर्ड सबसे बड़ी रिवर की हम बात करेंगे तो चमोली के संतोपथ हिमानी से ये इस तरीके का रूट बनाते हुए आई और यहाँ से रुद्रप्रयाग में एंटर करती है, एंड देन बाउंड्री बनाते हुए यहाँ पर देवप्रयाग में आती है जहाँ पर संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा का, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद ये आगे बाउंड्री आगे बढ़ती है लाइक दिस, बढ़ती है और यहाँ से जो है ऋषिकेश, देहरादून के ऋषिकेश में सबसे पहले मैदानी इलाके में प्रवेश करती है, एंड देन उसके बाद ये हरिद्वार में, इस तरीके से ऊपरी गंगा नहर भी यहाँ को निकाल दी गई है, इस तरीके से इसका प्रवाह हमें देखने को मिलता है। अगर यहीं पर मैं बात करूँ तो गंगा नदी जो है वो ये पर्टिकुलर देवप्रयाग है यहाँ पर, तो देवप्रयाग से ये गंगा नदी की लंबाई है हरिद्वार तक। तो गंगा की अगर मैं बात करूँ तो एक और नदी यहाँ पर ले लेते हैं गंगा, तो इसकी जो लंबाई हमें देखने को मिलती है वो मिलती है 90 से लेकर 95 किलोमीटर, ये आपको बुक्स में देखने को कुछ ऐसे ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग और वहाँ से गंगा नदी निकली, तो भागीरथी अलकनंदा। कोसी नदी की अगर हम बात करें तो कोसी जो है बागेश्वर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करेंगे इसको क्योंकि वीडियो उससे फिर लंबा हो जाएगा, है ना। तो कोसी की बात करें तो बागेश्वर के कौसानी पे, है ना, यहाँ पर था और यहाँ से बिल्कुल नीचे आ रही थी लाइक दिस, ऐसे नैनीताल में एंटर कर रही थी बाउंड्री, यहाँ से रामनगर से होते हुए वो बाहर इस तरीके से निकल जा रही थी, बिल्कुल इस तरीके से, है ना, ये हो गया, ये रामनगर यहाँ पड़ता है, तो रामनगर से होते हुए ऐसे ये ऊधम सिंह नगर में फिर ऐसे बाहर निकल गई थी। तो ये हमारी कोसी नदी है, देखो ठीक है, कौन सी, चौथी सबसे बड़ी नदी। पांचवी नदी जो हमारी है वो पश्चिमी रामगंगा है, आप देख पा रहे होंगे पश्चिमी रामगंगा दूधातौली श्रृंखला से निकलती है, दूधातौली ये वाली श्रृंखला है ना, पौड़ी अल्मोड़ा चमोली ये पूरी, तो पूर्वी ढाल से इस तरीके से निकलती है नैनीताल के ठीक ऊपर से होती हुई, है ना, पौड़ी में ये एंटर कर जाती है लाइक दिस, और यहाँ से कालागढ़ से बाहर निकल जाती है। तो ये कुछ कुछ इसका रूट है, और ये हमारी जो नदी है ये है पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, इसी तरीके से मैं ड्रॉ करता हुआ चल रहा हूँ। टोंस नदी की बात करूँ तो यहाँ से आई रूपिन, यहाँ से आई स्वर्गारोहिणी से सुपिन, दोनों का संगम हुआ नेटवाड़ में, यहाँ से ये फिर देहरादून में एंटर करी, इस तरीके से यहाँ कालसी में मिली और यहाँ से बाउंड्री इस तरीके से बाहर निकल गई है, कौन सी, हमारी
छठी सबसे बड़ी नदी टॉस। सरयू की अगर बात करें तो सरयू का जो उद्गम होता है सरमूल बागेश्वर से होता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ कहीं सरमूल इस तरीके से ये आती है और यूँ ऐसे ये देखो ये बाउंड्री होते हुए रामेश्वर में, ठीक है, और यहाँ से पंचेश्वर में काली में संगम सरयू ने कर दिया है। सरयू कुमाऊँ की पवित्र नदी मानी जाती है। यमुना की अगर बात करें, ठीक है, यमुना भी ये बंदर पूछ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से ऐसे आती है, बिल्कुल ऐसे ऐसे आती है, हल्का सा बाउंड्री यहाँ पर टिहरी से होते हुए देहरादून से होते हुए एंटर करती है और यहाँ पर कालसी में है ना टॉस और यमुना का संगम हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो यमुना की ये फिर लंबाई है हमारी आठवीं। नवी है भिलंगना। अब देखो ये जो भिलंगना है ये टिहरी में है जी, भागीरथी और भिलंगना के संगम पे ही तो टिहरी डैम जो है बसा हुआ है ना, तो यहाँ पर टिहरी डैम हो जाएगा इस तरीके से। तो भागीरथी और भिलंगना का संगम टिहरी में ही होता है, ठीक है, तो ये होगी भिलंगना, ये इतनी सी ही है। उसके बाद पूर्वी नयार की बात करें तो देखो यही दूधातौरी से निकली, यहाँ से पूर्वी नयार और इधर से आई इस तरीके से पश्चिमी नयार, दोनों का संगम हुआ और दोनों नदियाँ फिर यहाँ गंगा नदी में इस तरीके से चली जाती हैं। तो ये नीचे वाली है हमारी पूर्वी नयार और ऊपर वाली है हमारी पश्चिमी नयार, ये मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, ठीक है, इतनी सी बात के लिए। तो देखो 10 की 10 नदियाँ मैंने आपके सामने मैप पर बनाई हैं, आई होप कि आप भी इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। सबको यहाँ पर लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए पर्टिकुलर एक एक नदी को मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, तो आप जो है थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो ये नदियाँ हो गई। कुछ और नदियों की बात कर लेते हैं जो कुछ छूट रही हैं। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ठीक है, चंपावत से इधर से एक नदी आ रही है और इस तरीके से होते हुए यूँ निकल जा रही है और ये नदी जो है ये गोला नदी है, ठीक है, तो ये गोला नदी है। गोला नदी हल्द्वानी से होते हुए है ना, ये नैनीताल है, उधम सिंह नगर के ठीक ऊपर नैनीताल, नैनीताल में जो हल्द्वानी प्रमुख शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हमने कहा जी गोला नदी के, तो गोला नदी का उद्गम यहाँ से इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो गोला नदी की जो लंबाई हम देखेंगे वो है 102 किलोमीटर, इतना गोला नदी की लंबाई हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम पिथौरागढ़ में भी आ जाएं तो हमें एक नदी यहाँ से एक बहुत प्रमुख नदी देखने को मिलेगी जिसका नाम है गोरी गंगा, ठीक है। और ये जो नदी हमें देखने को मिलती है इसकी लंबाई हमें देखने को मिलती है, ठीक है, 104 किलोमीटर के आसपास जो है जो गोरी नदी है उसकी लंबाई हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है, चलिए ठीक है। और हम बात कर लेते हैं कुछ और, अब जैसे यहाँ से एक और नदी निकली बागेश्वर के पिंडारी से है ना, और यूँ ऐसे करके बनाते हुए वो यहाँ पर मिल गई, इस जिसको हम कर्णगंगा या पिंडारी भी बोलते हैं, तो पिंडारी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो पिंडारी जो नदी है उसकी भी लंबाई अगर हम मेंशन यहाँ करते हुए चलें तो ये है पिंडारी की क्या है 105 किलोमीटर आई थिंक, कुछ देखो थोड़ा मिसप्रिंट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आप देख लेंगे परीक्षावाणी में, पर्टिकुलर एक पूरा पेज है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा पेज है और ठीक है, तो नई वाली में आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, अभी मेरे पास बुक नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो पिंडारी लगभग यस 105 किलोमीटर ही पिंडारी की जो लंबाई है वो हमें देखने को मिलती है, हाँ ठीक है। उसके बाद हम बात करें नंदाकिनी की, तो नंदाकिनी भी यहाँ से है ना नंद घुघटी इस तरह से आती है, तो नंदाकिनी को भी मेंशन कर लेते हैं, चलो जी नंदाकिनी, मैंने कहा नंदाकिनी, तो नंदाकिनी तो ठीक है ये है 56 किलोमीटर, ठीक है 56 किलोमीटर नंदाकिनी है। नंदाकिनी से ही मुझे मंदाकिनी याद आ रही है, तो मंदाकिनी यहाँ पर है जी देखो रुद्रप्रयाग में है ना, मंदाकिनी पे ही तो यहाँ पे जो है हमारा केदारनाथ धाम बसा हुआ है उसके किनारे, तो मंदाकिनी को भी याद आ रही है मुझे, तो मंदाकिनी भी मैं, ये मंदाकिनी है ठीक है रुद्रप्रयाग में, एम लिख देता हूँ मैं, ये मंदाकिनी, तो मंदाकिनी को भी यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, जो मंदाकिनी है वो है 72 किलोमीटर की लंबाई के साथ ओवरऑल इंडिया कह रहा हूँ उत्तराखंड में बह रही है, ठीक है। और कोई नदी ठीक है, उसके बाद ये नयार नदी तो हो गई 109 किलोमीटर, ठीक है पश्चिमी नयार ये हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, बेसिकली ये मुख्य नदियां तो यही हैं, ठीक है टॉप 10 जो बड़ी नदियां हैं, ये छोटी छोटी नदियां तो ऐसे तो बहुत सारी नदी हैं, देहरादून में आपको सौंग नदी भी देखने को मिल जाएगी है ना, बहुत सारी नदियां हैं ऐसे, तो ये मुख्य नदियां हैं जिनको मैंने एज अ उनकी लंबाई के साथ यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अच्छा आज की वीडियो का एक और ख़ास टॉपिक है, उसका नाम है नदी बेसिन, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं नदी बेसिन। अब देखो ये नदी बेसिन क्या होता है, नदी बेसिन जो होता है ना ये पहली बात तो ये किलोमीटर स्क्वायर में लिया जाता है, किलोमीटर स्क्वायर से आपको
एक ठीक ठीक अंदाज़ा लग रहा होगा, ये तो एरिया है। बेसिकली ये क्या है, एरिया। देखो ये मैंने लिखी है किलोमीटर्स में, किलोमीटर यानी ये लेंथ है ना, ये लंबाई है, लेकिन किलोमीटर स्क्वायर ये एक एरिया है। नदी बेसिन का मतलब नदी का एक मुख्य नदी हो गई, मुख्य नदी की अन्य जितनी भी उसमें नदियाँ गिर रही हैं वो सहायक नदियाँ हो गई। तो मुख्य नदी और सहायक नदी से मिलकर जितना बड़ा भूभाग कवर हो रहा है, जितना बड़ा एरिया कवर हो रहा है, उसे नदी बेसिन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल काली की बात करूँ, तो देखो काली का ओरिजन यहाँ से हुआ है ना, ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन इसमें आप देखें यहाँ से भी नदी, यहाँ से भी, ये सारी नदियाँ ऐसे आ रही हैं। तो एक तरीके से ये वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये भूभाग काली नदी का है। तो काली बेसिन इस तरीके से हो जाता है। तो जो नदी बेसिन है उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो सबसे ज़्यादा जो एरिया आपको देखने को मिलेगा वो ऑब्वियसली काली का ही देखने को मिलेगा। ठीक है, वो कुछ कुछ इस तरीके से है। ओके, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये किलोमीटर स्क्वायर में है, सारे के सारे किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, ये इतना है। अगर मैं भागीरथी की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से हमें जो है इनके जो नदी बेसिन है वो देखने को मिलते हैं। अब ना थोड़ा सा भागीरथी में थोड़ा सा सॉरी फॉर मिस्टेक, आप यहाँ पे है ना 205 है, हाँ 250 नहीं है ना, 205। ठीक है, कोसी, रथवाइनी, टोंस, अच्छा सरयू, यमुना, हाँ बिलंगना। ठीक है, मैं बेसिकली देख रहा हूँ कि जो डाटा है रिवर्स की लंबाई का ही ठीक है, नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा आप यहाँ पर भी सही कर सकते हैं। जो पश्चिमी नयार है ये 78 किलोमीटर, ठीक है, पूर्वी नयार की अगर हम बात करें तो 109 किलोमीटर, ये 109 किलोमीटर के साथ बहती है। ठीक है जी, ओवरऑल ठीक है, नदी बेसिन भी एक्यूरेट हो गया है, वहाँ पर गड़बड़ हुई थी उसे मैंने करेक्ट कर दिया है, ऑल गुड। अभी सारा डेटा ठीक है, आप चाहो तो यहीं से जो है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आप देखिए ये जो मैंने नदी बेसिन लिखे हैं, तो बेसिकली नदी बेसिन जैसे कि बताया किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई तो हमने किलोमीटर में यहाँ पर इंक्लूड की है, लेकिन नदी बेसिन को हम किलोमीटर स्क्वायर कह रहे हैं, यानी कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है। अगर काली की बात करें, अलकनंदा, भागीरथी, कोसी, तो काली नदी जो तंत्र है, आप देखें ये वाला जो एरिया है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना किलोमीटर स्क्वायर है, 11467 किलोमीटर स्क्वायर है। अच्छा, ये सारा जो डेटा है इसको आप, ये आप पे डिपेंड करता है कम्प्लीटली कि आप इसे कैसे याद करें। बहरहाल जो मुझे ये सब कुछ याद है, तो इसके लिए एक मैं यूज़ करता हूँ नेमोनिक टेक्निक का। ठीक है, डिजिट्स वाली जो भी रहती है, नंबर डिजिट्स वाली, बेसिकली उस पर चीज़ें करना बहुत आसान हो जाता है उस टेक्निक से करना, तो इस पर कभी और चर्चा कर लेंगे। बहरहाल ये आप याद रखें इसे। अच्छा देखो एक और बात, जो नदी बेसिन है इसका एरिया डिपेंड करता है उसके अपवाह तंत्र पर, कि कितनी सहायक नदियाँ उसमें मिल रही हैं। देखो काली की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कभी नहीं होता कि जितनी बड़ी नदी उतना ही बड़ा उसका नदी बेसिन है ना, ऐसे हम कभी भी वहाँ पर तुक्का या गैस नहीं लगा सकते। हमें पता है काली सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, उत्तराखंड की, तो ठीक है काली का जो बेसिन है वो भी सबसे बड़ा है, लेकिन आप ध्यान देंगे काली के बाद तो भागीरथी सबसे बड़ी है, तो क्या भागीरथी दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा नदी बेसिन हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, अलकनंदा का है। क्यों? क्योंकि आप अलकनंदा के रूट को देखेंगे तो इसकी जो सहायक नदियां हैं एज कम्पेयर टू भागीरथी वो ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अलकनंदा का जो ये जो रूट है इसमें बहुत सारी सहायक नदियां आके इसमें मिल रही हैं, तो इसका जो एरिया है वो डेफिनेटली भागीरथी से ज़्यादा है। तो इस तरीके से तो अलकनंदा सेकंड नंबर पे नदी बेसिन में सबसे ज़्यादा है, फिर भागीरथी का है। ठीक है, भागीरथी आप देख लेंगे ये वाला एरिया है, कोसी की बात करें तो ये वाला एरिया है, रामगंगा ऑब्वियसली ये पश्चिमी रामगंगा ही होगी है ना, तो ये वाला एरिया हो गया, सॉरी ये वाला एरिया ये है ना, पश्चिमी रामगंगा ये है, यमुना का ऊपर, ठीक है, टोंस का भी ये वाला हो गया, और फिर हम बात करते हैं नयार, यानी कि जो नयार है पूर्वी और पश्चिमी नयार, इस प्रकार से इसका जो है ये हमारा जो नदी बेसिन है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ करेक्शन कर लेंगे, ऑल गुड, सब कुछ ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।